छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 29 नक्सलियों के मारे जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी, उस अभियान की ओर गति मिले। बीजेपी सरकार ने नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है। छत्तीसगढ़ में 80 नक्सली मारे गए, 125 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए हैं। अमित शाह ने कहा कि बड़ी बात यह है कि मारे गए 29 में से 15 महिला नक्सली है। उन्हें पूरा विश्वास है कि नक्सलियों के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और बहुत कम समय में पीएम मोदी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद उखाड़ फेंकेंगे। यहाँ याद दिला दें कि बीते मंगलवार को कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 25 लाख के इनामी शंकर राव सहित कुल 29 नक्सली मारे गए। वहीं मारी गई महिला नक्सली ललिता और मांडवी पर भी 25-25 लाख का इनाम था। शंकर राव, ललिता और मांडवी डीबी से रैंक के लीडर थे।